हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे टेस्टी लजीज बेक पास्ता जो बहुत हेल्दी होता है और जिसकी रेसिपी बहुत इजी है। आइए अब क्विकली चेक करते हैं। इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं। तो इसे आप देख सकते हैं, ये बॉइल्ड पास्ता है और इसको हमने बॉईल करने के बाद इमीडिएटली ठंडे पानी में डाल देते हैं, जिससे ये एक एक जिसे चिपकता नहीं है। ओके, और ये शिमला मिर्च है, ये आपका कैरेट्स है, पनीर है, टमेटोज, फूल गोभी, प्याज एंड दिस इज मोजरेला चीज़। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मटर है, ये आपका नॉर्मल चीज़ है, ये सॉल्ट है जो जनरली यूज़ होता है सैलेड्स के ऊपर, देन ये ब्लैक पेपर, टमेटो सॉस एंड हॉट सॉस, रेड चिली सॉस एंड ये एक स्पेशल सॉस है इटालियन, बट ये भी जनरली ड्रेसिंग के लिए यूज़ होता है, ऑप्शनल है, आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये बेसिकली आप जब यूज़ कर सकते हैं, जब आपको लंच ब्रंच करना है या डिनर स्किप करना है, तो इस काइंड ऑफ लाइट वेटेड डिनर और लाइट वेटेड लंच। सो चलिए इसकी प्रिपरेशन चालू करते हैं। सबसे पहले जो ओवन है हमने वो प्री हीट पे कर दिया है, प्री हीट करना है आपको 10 मिनट्स। तो ऑलरेडी आप देख सकते हैं ओवन हीट हो रहा है। चलिए मीनवाइल अब सब मिला लेते हैं, एक एक करके हम अब इसको मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं ये मेरा पैन है, इसमें हमने 2-4 बूंद ऑयल डाल दिया हुआ है जिससे ये चिपकता नहीं है। अब सबसे पहले हम पास्ता बिछाएंगे, सबसे नीचे पास्ता डालेंगे जो इसका बेस है मेन। अब देखिए इसमें वाटर है, वाटर कोशिश करिए कि वाटर इसमें ना जाए। ओके, अब हम धीरे धीरे सारे जो भी हमारे शिमला मिर्च अदर इंग्रेडिएंट्स है वो डाल देंगे। ये देख सकते हैं हमने इसमें सारी जो कटी हुई सब्जियां थी वो डाल चुके हैं। आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जो चीज है उसको आप सबसे आखिरी में और सबसे ऊपर डालेंगे, तो जिससे वो दिखने में भी अच्छा दिखता है और टेस्टी भी लगता है। एक करके सारे सॉसेस डालेंगे। देखिए हम सॉस, ये टमाटो सॉस है, ये आपकी आवश्यकता अनुसार है, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये रेड चिली सॉस है, हम इसमें तीखेपन के लिए और कुछ डालते नहीं है तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नॉर्मल इटालियन सॉस है, ये ऑप्शनल है। ब्लैक पेपर, सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। दिस इज सॉल्ट, आप चाहे तो नॉर्मल सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं। एंड आखिरी में अब हम डालेंगे इसके ऊपर चीज। ये नॉर्मल चीज है, आप चाहे तो ऑप्शनल है, ये भी उसको से ब्रेक करके आप जगह जगह छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं रॉ मटेरियल रेडी हो चुका है और अब लेट्स चले ओवन चेक करते हैं गर्म हुआ है नहीं।
हाँ ओवन भी अब गर्म हो गया है, अब इसको हम ओवन में रखेंगे। अब हम इसको सिल्वर पेपर से कवर कर देते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इससे कवर नहीं करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हैं वो जलने लगते हैं और नीचे चिपकने भी लगते हैं। इसको आप इस तरह से हल्का सा कवर कर दीजिए और अब ये बैक करने के लिए एकदम रेडी है। हमारा ओवन गर्म हो चुका है, अब इसको ओवन में रखेंगे। इसे 5 से 7 मिनट पकने देंगे और अभी पक चुका है तो अब हम इसको निकालते हैं। एयरफुल रही है, बहुत गर्म होता है और आप इसको देख सकते हैं लग रहा है नहीं होंगे। देखिए सारे वेजिटेबल्स पक चुके हैं, हल्के हल्के बैग भी हो चुके हैं। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे और कुछ एडिशनल अगर हमें सॉसेस ऐड करना तो हम उसके ऊपर वो भी कर सकते हैं। थैंक यू।